हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की हमारे पास दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हमें क्या दिए हुए हैं, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दी हुई है और उसके फिगर के एंगल्स के नाम बताएंगे हम। एंगल्स के नाम हम कैसे बताएंगे, देखो देर आर फोर एंगल्स, एक फिगर दे रखी है, इसमें कितने एंगल्स हैं, फोर, ए बी सी एंड डी, चार एंगल हैं हमारे पास है। अब एंगल्स के नाम लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कैसे बना हुआ है, ये चार हमारे पास एंगल हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, ये जो एंगल बना है ये कैसे बना है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी सी। जहाँ एंगल बना है उसको हम बीच में लेके चलते हैं, ए बी सी। अब ये एंगल कैसे बना, बी सी डी, और ये एंगल कैसे बना, सी डी ए, और ए एंगल कैसे बना, डी ए बी, ठीक है। तो इसमें इन चार के नाम लिख देंगे हम, ए बी सी एंगल, ए बी सी, सी डी ए, सी डी ए, ये डी पे बन गया, फिर डी ए बी, ए पे एंगल बन गया, फिर डी सी बी, डी सी बी, ये हमारे पास सी पे एंगल बन गया। चारों एंगल्स के नाम नोट कर देंगे हम। नेक्स्ट टाइम इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम से हमें पॉइंट्स के नाम नोट करेंगे। कैसे, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। इंटीरियर, इंटीरियर क्या होता है, अंदर। आपको एक फिगर दी हुई है, इस फिगर के अंदर जो पॉइंट है उसका नाम बताएंगे हम, किसके बीच में, एंगल डी ओ ई, हमारे पास डी ओ ई, ये जो है ये आपके पास है डी ओ ई, ये बन गया एंगल। इसके बीच में कौन पॉइंट है, कौन है पॉइंट, ए, इंटीरियर, इसके अंदर, इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, ए। ये पॉइंट तो इस फिगर के ऊपर है हमारे पास, लेकिन ये पॉइंट क्या, इसके अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, किससे बाहर, एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ, ई ओ एफ, ये जो आपके पास फिगर है इससे बाहर जो एंगल बनना है, जो पॉइंट है वो क्या क्या है, इससे बाहर, इस फिगर से बाहर क्या पॉइंट है, सी, और इधर क्या पॉइंट है, ए, और हमारे पास कोई पॉइंट है, डी, क्योंकि इस फिगर से तो बाहर है ये पॉइंट भी हमारे पास है, तो क्या आ जाएगा, सी ए एंड ए डी। नेक्स्ट है ऑन एंगल ई ओ एफ, अब हमें ये बताना है एंगल ई ओ एफ के ऊपर, ई ओ F, इसके ऊपर हमारे पास कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, F भी है, O है, B और E, क्या क्या पॉइंट हैं, E, B, O, F, ये चारों के चारों पॉइंट हमें नोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, आपको कोई भी दो एंगल्स, ड्रो रफ डायग्राम, एक रफली डायग्राम बनना है ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स से, सच दैट दे हैव, आपके पास सबसे पहले क्या दे रखा है, दो एंगल्स से बनाना है वन पॉइंट इन कॉमन, कि उन दोनों में कम एक पॉइंट कॉमन। अब हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास ये बना दिया, एक इसके साथ ये बना दिया, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ओ भी हमारे पास कॉमन पॉइंट है इन दोनों में, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या बन जाएगा, एंगल ए ओ, और ये हमारे पास इसका नाम रख लिया हमने बी, ए ओ बी और बी ओ सी, दोनों में कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ। नेक्स्ट है हमारे पास टू पॉइंट इन कॉमन, अब हमारे पास यहाँ से देखो कौन से एंगल बनेंगे, बी ए सी, क्या क्या बनेगा, बी ए सी एंड दूसरा हमारे पास क्या है, सी ए डी, सी ए डी, ये है हमारे पास कोई भी दो पॉइंट कॉमन, इन दोनों में हमारे पास कोई भी दो पॉइंट कॉमन पॉइंट आएंगे। वो दो पॉइंट कैसे हैं, देखो ये हमारे पास कोई पॉइंट है और यहाँ पे जो हमारे पास है इसका नाम मैंने क्या रख लिया, ई, तो इसका नाम रख लेना बी ए ई, बी ए ई, ठीक है। अब इनमें कॉमन पॉइंट क्या हो गए, दो कॉमन पॉइंट, एक तो दोनों में क्या कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ए, और एक दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। जब हम ये वाले फिगर ड्रॉ करेंगे तब भी आएगा ए और सी, जब ऊपर वाली फिगर ड्रॉ करेंगे तब भी आएगा ए और सी। नेक्स्ट है थ्री पॉइंट इन कॉमन, कम से कम तीन पॉइंट कॉमन, थ्री पॉइंट के लिए हमने क्या बनाया, इसी तरह एक फिगर बना दी, उस फिगर में देखो एंगल क्या क्या है, ए बी एफ, एंगल ए बी एफ, दूसरा एंगल क्या है, एफ बी ई, एंगल ई बी एफ,
ये दो एंगल हो गए हमारे पास, इन दो एंगल्स में कम से कम तीन कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट कौन कौन हो जाएंगे? कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं? कॉमन पॉइंट डी सी, डी बी और सी, ये तीनों पॉइंट क्या हैं? तीन दोनों में कॉमन। तो हम क्या बोल देंगे इसको? थ्री पॉइंट्स हैं कॉमन की इस फिगर के अंदर, हमारे पास थ्री पॉइंट्स कॉमन है। नेक्स्ट है फोर पॉइंट्स इन कॉमन, हमारे पास यहाँ से देखते हैं एंगल क्या क्या बनेगा। बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? ए ओ ई, एंगल ए ओ ई। और कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या है, ओ डी सी ए। चार पॉइंट हो गए हमारे पास कॉमन, ओ डी सी ए, ओ डी सी एंड ए, ये चारों पॉइंट्स हमारे पास उसमें कॉमन है। यही बताना था हमें कि एक ऐसी फिगर ड्रॉ करके दें, हम इसके बजाय कोई और भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर दो एंगल बनाएंगे और उन दोनों एंगल्स में हमारे पास कम से कम चार पॉइंट कॉमन है। नेक्स्ट है वन रे इन कॉमन, रे क्या होती है हमारे पास से? ये हमारे पास क्या होती है? एक रे। तो ऐसे दो एंगल्स का एक सेट बनाएंगे जिसके अंदर कम से कम एक रे कॉमन होगी। एक हमने क्या बनाया? एंगल, एंगल बी ओ ए, एंड दूसरा एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? ए ओ सी। अब इन दोनों में कॉमन रे क्या है? यहाँ पे तो दोनों के एंगल हो गए, कॉमन रे क्या है? ये जब हमारे पास ओ ए है, ये दोनों में आया है बी ओ ए, ओ ए ले लिया हमने फर्स्ट वाले में, फिर ए ओ सी सेकेंड वाला, ये हमारे पास, तो दोनों में ए ओ आ गया हमारे पास, तो क्या बोल देंगे? ए ओ इज कॉमन रे। ये हमारे पास कॉमन रे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप कि यही फिगर ड्रॉ करो, आप इसके अलावा कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, इसको इधर की बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर दिया और ऐसे कर देंगे, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगी। किसी भी तरह से इस फिगर को हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। सिर्फ हमें क्या दिखाना है कि उन दोनों जो एंगल्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाए? कम से कम एक रे कॉमन आ जाए। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू।